सबसे पहले हम गुरुवर आचार्य को और परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रव्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवनगोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीवनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधाकनिष्ठतं रसायनकथामृतं संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी नम नम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीस गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधाम मधुरेस्मितास्यं। वदामि राधाम करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतेन कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, हम सभी स्वस्थ रहें, सबकी रक्षा हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण कर सकें। हरे कृष्ण। हाँ जी दीदी, हरे तो कृष्णा। अब हाँ आप शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय। जय गुरु परंपरा की जय। जय षट गोस्वामियों की जय। जय पंच तत्व की जय। जय गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री श्याम कण राधा कुंड गंगा जमुना सरस्वती महारानी की जय। जय चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। बोल। चार्ट यहाँ पे दिखाएंगे क्या प्रभु हाँ जी? हाँ ब्रह्मांड हाँ का नहीं, नीचे वाला या पूरा कंप्लीट एक बार? सिर्फ ब्रह्मांड का ही। अच्छा ठीक है। आज तो एज कर लिया ना हमें ब्रह्मा जी की। दिख गया दीदी? इसमें ये हमने पीछे बताया था कि सारा का सारा जो जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनेकों करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड में क्या क्या होता है उसका एक्सपेंशन हमने बताया था कि एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं और उसमें शिरोदशायी विष्णु होते हैं और गर्भोदशायी विष्णु होते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड कारणोदशायी विष्णु से आ रहे हैं।
तो अभी हमने ये करना है कि अब ये ब्रह्मांड में कौन कार्य कर रहा है, ब्रह्मा जी इसकी सृष्टि कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी हमें क्या बता रहे हैं इसमें, और इनकी एज कितनी है इसमें। ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि चित जगत कैसा है, चित जगत के कितने पार्ट्स हैं, कौन से माधुर्य धाम है, कौन से ऐश्वर्य धाम है, कौन सा शिवलोक है, और कैसे कैसे ये ब्रह्मांड आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि एक ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है और उसमें ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है। ये वाला जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, जो जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है, क्योंकि जितने जितने अभी एक बार ऊपर लेना प्रभु जी, जहाँ कानो दशाई विष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। मैं दूसरा चार्ट निकाल जी यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कानो दशाई विष्णु विरजा नदी में यानी कारण जल में लेटे हुए हैं, देखो कितने छोटे छोटे भी ब्रह्मांड हैं और बड़े बड़े भी हैं, ये बुलबुले से जो नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जितना बड़ा ब्रह्मांड होता जा रहा है उतने ही बड़े ब्रह्मा जी होते जा रहे हैं और उतने ही उसकी आयु होती चली जा रही है। तो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है, जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है उसका एक्सपेंशन बताया गया, क्योंकि इसमें इस समय हम हैं। तो इसमें क्या है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, चतुर्मुखी से किसी फिर आगे 40, 400, 4000, 4 लाख तक मुंह और उससे भी ज्यादा मुंह होते हैं ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ही ज्यादा मुख के ब्रह्मा जी, और उसकी एज भी उतनी ही ज्यादा। तो इसमें अभी हम यहाँ पे इन ब्रह्मा जी की एज बता रहे हैं। जो ये दीदी एक ब्रह्मांड है, ये इसे एक जी, ब्रह्मांड में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है इनकी बारे में बात चतुर्मुखी करेंगे। ब्रह्मा जी की हम एज बता रहे ओके हैं। ठीक है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की एज क्या है, हमारे 4 युग होते हैं, ये हम सभी को पता है ना, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक राउंड ऑफ वो लेके चलेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि जो वैसे तो 4,32,000 वर्ष होती है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कलयुग की, पर क्योंकि हमें इसे डबल 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 करना है, इसलिए जब हम कथा में बताते हैं तो इसे एक राउंड ऑफ फिगर में बताते हैं। ठीक है, तो तो एक जैसे मान ये लिया जाए, सीक्वेंस में कहा जैसे ना आपने कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। हाँ जी, नहीं कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, द्वापर के बाद कलयुग, आता है ना अच्छा, त्रेता कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, सतयुग। हाँ जी और सतयुग के बाद फिर कलयुग। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें ये कह रहे हैं हम, कलयुग हुआ हमारा 5.5 लाख वर्ष का, अभी हमारे कलयुग को कितना समय हुआ, 5,000 वर्ष हुए अभी सिर्फ कृष्ण को गए हुए, है ना, अभी सिर्फ कलयुग कलयुग का को कितना पांच बताया आपने? 4.5 लाख वर्ष। अच्छा, 4,500। वैसे आइडियली जो शास्त्रों में है वो 4,32,000 वर्ष है, पर हम एक कैलकुलेट करने के लिए कथाओं में 4.5 एक राउंड ऑफ करने के लिए बोल देते हैं, 4,500, लाख 4,500,000। जी, ठीक है। 4.5 लाख कलयुग हो गया, और द्वापर युग फिर इसका डबल 9 लाख वर्ष का होता है, त्रेता युग उसका भी डबल 18 लाख वर्ष का होता है, और सतयुग उसका भी डबल 36 लाख वर्ष का होता है। ठीक है, अब इन ठीक है। चारों को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो सारा सिर्फ हमारा होता है एक चतुर्युग, उसको ओके। बोलेंगे हम एक चतुर्युग। ठीक है, तो अब ब्रह्मा जी का जो, जैसे हमारे जो 12 घंटे हैं, ब्रह्मा जी के लगाओ 12 दिन, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, तो उनके जो 12 घंटे हैं वो ऐसे 1,000 चतुर्युग के बराबर होते हैं, और 1,000 चतुर्युग की ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, यानी दो ओके। हजार चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, और इसको करो 2,000 चतुर्युग इंटू 365, तो वो एक वर्ष का हो गया, 2,000 चतुर्युग को क्या करें हम? 365 से डिवाइड करो, वो तीन सौ मल्टीप्लाई पैंसठ करो, मल्टीप्लाई कर हाँ, तो ये दिया एक वर्ष हो गया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का। ठीक है। और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है एक ब्रह्मा ओके की। ठीक ठीक है, तो है। अभी हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इतनी लंबी कैलकुलेशन है कि जीव इसी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी के अंदर ऊपर नीचे, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में बस ट्रेवल करता रहता है, पुण्य कर्म करता है ऊपर जाता है, तपस्या करता है तो ऊपर जाता है, हवन करता है तो ऊपर जाता है, और अगर भोग करता है, स्त्रीगामी होता है, खाने पीने वाला होता है, दूसरों का दुराचार करने वाला होता है, तो उसके लिए नीचे के अलग अलग लोक बने हुए हैं, वो उनमें जाता है। पर हम आपने ये कहा कि ब्रह्मा की
आयु जैसी समाप्त होगी एक दिन की, तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ एक ब्रह्मा जी की आयु बताई, ठीक हाँ ठीक है। हाँ है? अभी ये ब्रह्मांड की आयु नहीं है, अच्छा, ये ब्रह्मा की आयु है। ये ब्रह्मा जी की आयु है। अभी ये हाँ ठीक सबसे है। छोटे ब्रह्मांड में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आते हैं, पर जो और जो लाखों मुख के भी ब्रह्मा जी हैं, उस ब्रह्मांड की जो आयु होती है ठीक है। वो, मतलब ये सारे के सारे ब्रह्मांड एक ही साथ विलीन होते हैं। जब महा महाप्रलय आती है ना, उस समय सारे के सारे ब्रह्मांड एक साथ लुप्त होते हैं। तो ब्रह्मांड की जो एज है वो ब्रह्मा जी की एज से अलग है। ओके मतलब ठीक है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ये चले जाएंगे, कोई और जो योग्य होगा, जिसने 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करा होगा ठीक ठीक से, उस जीव को ब्रह्मा जी की फिर यहाँ पे स्टेज दे दी जाएगी, पद दे दिया जाएगा, वो फिर से इसके पद बन जाएंगे 100 वर्षों के बाद। अपने इस तरह के कैलकुलेशन के 100 वर्षों के बाद फिर तीसरे ब्रह्मा आ जाएंगे, फिर चौथे ब्रह्मा आ जाएंगे। पर ब्रह्मांड जितने भी हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बड़ा है, ये सारे के साथ सारे एक साथ उनके शरीर में जाते हैं, कानोदक्ष विष्णु के शरीर में। जब वो बहुत बड़ी प्रलय आती है, महा महा प्रलय, तब सबके सब विलीन होते हैं, ठीक ब्रह्मा है। चेंज होते रहते हैं। अब ये हाँ मतलब देखो कि एक जीव सौ का वर्ष के बाद, सफर 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे, तो ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि एक ही ब्रह्मांड में कितने कितने ब्रह्मा आके चले गए। हो सकता है इस ब्रह्मांड में आप ही कितनी बार ब्रह्मा बन के गए हो, या मैं, या यहाँ जितने भी सभी बैठे हैं, वो सभी कितनी बार गए, कितनी बार आए, घूमते जा रहे हैं इसी में, ऊपर नीचे से। तो कितना लंबा है, मैं तो कैलकुलेट कर नहीं पाती इसको, पर हाँ डर जरूर लगता है सुन सुन के कि हम एक ही ब्रह्मांड में इतने से अंश में हम पड़े हुए राई के दाने के अंदर, और हमारा वजूद ही क्या है, कुछ नहीं। उस दिन क्लास में भी एक दीदी कह रही थी ना कि हम इसी शरीर के जीवन यापन में लगे रहते हैं, इसी के पालन पोषण में अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं, जबकि इसकी जो 8 लेयर्स दिख रही है ना, ये कलरफुल ऊपर एक ब्रह्मांड की, ये जो लेयर है, ये हाँ, लेयर एक क्रॉस लेयर। करके हमें इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना है, और फिर क्रॉस करते करते भजन के माध्यम से क्रॉस करते 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 अपने गंतव्य तक हमें पहुंचना है। तो कितना लंबा हमारा सफर है इसमें, तो ये सोच के हमें डरना चाहिए। अब इससे हम निकलेंगे कैसे? निकलेंगे ऐसे कि हमें जो है पहले तो अपने कर्मों को देखना पड़ेगा कि हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हमें पुण्य और पाप दोनों को ही बंद करना पड़ेगा। एक दिन और हमने इसकी क्लास ली थी कि पाप से तो हम रहेंगे ही रहेंगे, पर पुण्य से भी रहेंगे। पुण्य से क्या होगा? स्वर्ग मिल जाएगा और और भोग स्वर्ग मिल भी इसी जाएगा। में, ब्रह्मांड में ही है स्वर्ग। स्वर्ग में इसमें कि पुण्य कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं ना हाँ भाई, हम लोगों को मदद कर मैं रहे वो हैं। चार्ट एक बार ओपन कर देता हूँ जिसमें एकदम स्पष्ट दिख रहा है, अच्छा जी, एक जरूर। सेकंड, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने अपने मोबाइल के नाम से ज्वाइन किया है ना, वो अपना रीनेम कर लें ताकि हमें पता लगे कि कौन सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ तो ये है जड़ जगत, जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, राइट। हाँ जी, हाँ तो इसमें अगर हम पुण्य कर रहे हैं, तो आपने कहा स्वर्ग लोक, तो ये जी ऊपर बिल्कुल, के लोक के साथ जो 7 लोक हैं इसमें से एक स्वर्ग हाँ लोक है, तो पुण्य जी, करेंगे तो हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, है ना। पुण्य करने वाले स्वर्ग में हाँ जाएंगे। इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, मतलब जहाँ धाम नहीं है वहां नहीं जा रहे, चितलोक में नहीं नहीं जा रहे। क्योंकि जो पुण्य है वो भोग को दर्शाता है ना। हाँ पुण्य में हम क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, है ना, लोगों को कपड़ा दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, या उनकी सेवा कर रहे हैं, या उनको पैसा दान कर रहे हैं, या किसी के लिए हम आश्रय बनवा दे रहे हैं, घर बनवा दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? भोग की वस्तुएं हैं ना ये सारी, तो उससे भोग ही बढ़ेगा, और उसको क्या, वो भी बहुत ही अधिक पुण्य जो करेगा बिना पापों के, कभी जीवन में कोई पाप नहीं करेगा, स्वर्ग भी उसे मिलेगा जिसने सिर्फ पुण्य ही पुण्य करे हैं, पाप करे ही नहीं, तो वो जाएंगे स्वर्ग में भी। वहां क्या करेंगे? भोग वृत्ति और बढ़ेगी, अनलिमिटेड भोग करेंगे। भोग करने के बाद फिर से वो भूलोक पे आ जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हमने मान लो जीवन में 1 लाख रुपया कमाया और हम उसे बाजार जाके खर्च कराए, तो फिर 0 पे आ गए ना, तो उसे खर्च कर दिया हमने, हमारे पुण्य जिस दिन खत्म हुए, हम फिर से भूलोक पे कर्मयू भूमि में आ जाते हैं। क्योंकि बाकी के लोग तो बताए गुरुदेव ने कि सारे के सारे भोग के लोग हैं, सब में भोग योनिया है। जो भी कर्म हम पृथ्वी लोक पे करेंगे, ये जो ऊपर के 6 लोक हैं और नीचे के 7 लोक हैं पृथ्वी लोक को छोड़कर, उनपे कर्म फल नहीं बनते। अच्छा, केवल भूलोक में कर्म फल बनते हैं। जी हाँ, सिर्फ मनुष्य योनि में। मनुष्य योनियां भी हमने बताई 4 लाख होती हैं,
जो हमारी 84 लाख योनियां हैं उसमें से 9 लाख तो होते हैं जल में रहने वाले जलचर, चार 20 लाख लाख होते हैं योनिया जी, हाँ 4 लाख योनियां उसमें मनुष्य मनुष्य की होती की। हैं, हाँ 9 लाख होती हैं जलचर की, जल में रहने वाले जितने भी हैं, 20 लाख होते हैं जी पेड़ पौधे, एक लाख होते हैं हमारे कीट पतंग, 10 लाख होते हैं पशु पक्षी, पक्षियों के प्रकार 10 लाख, और 30 लाख योनियां होती हैं पशु की, तो ये हो गए हमारे 84 लाख। इन योनियों में हम ट्रेवल करते रहते हैं, पर जो मनुष्य योनि है ना चार इसमें कम लाख रहेगी क्या? ये 30, नहीं दस, नहीं 40, 50, 60, 70 और 4, 74, मेरे 74 बन रहे हैं। 4 लाख नहीं आपने योनियां दस मनुष्य लाख की, पक्षी नहीं लिखे क्या? 10 लाख पक्षी नहीं हाँ लिखे लिख आपने? लिए मैंने, लिख लिए 4 लाख मनुष्य की योनियां, 9 लाख जलचर, 20 लाख पेड़ पौधे, 1 लाख कीट पतंग, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु। हाँ 74 हो रहे हैं ये? नहीं दोबारा कैलकुलेट करो, 1 मिनट, 30, 40, 50, 60 और 70 और 4, 74, हाँ 10 लाख कम है। हो सकता है ये कीड़े कीट पतंग 10 लाख होंगे, फिर फिर कीट पतंग 10 लाख होंगे, मेरा 1-0 रह गया होगा यहाँ फिर पे। एक रह गया, फिर एक 1 लाख का चक्कर पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, मैं फिर इसको कल चेक करके बताऊंगी। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कि ये कहीं ना कहीं मेरे से भी लिखने में हाँ शायद हाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है ठीक है। तो ये आपने कहा कि भूलोक पे ही कर्मफल बन रहा है, बाकी सब जो लोक हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उनको नहीं बाकी सब में सिर्फ भोग योनियां हैं, भोग जो योनियां। पृथ्वी पे हमने कर्म करा मनुष्य योनि में जो भी कर्म करा बाकी सारी की सारी भोग योनियां हैं सारे लोगों में, वहां सिर्फ और सिर्फ हम अपने उस कर्म फल के अनुसार भोग भोगने जाते हैं, नरक में जाते हैं अगर पाप कर्म करते हैं, वहां प्रताड़ना मिलती है, स्वर्ग में हमें सुख शरीर की प्राप्ति होती है और नरक में हमें यातना शरीर की प्राप्ति होती है। तो इसका भी डिटेल पहले काफी हो चुका, तो मुझे लगता नहीं है इसको हमें भी यहाँ पे रिपीट करना नहीं, वो तो चाहिए। खैर रिकॉर्डिंग से सब लोग सुन लेंगे। जी, तो हाँ तो अभी हम बात पे आएंगे। हाँ पूछिए आप तो मेन चीज कहिए मैं एक क्लियर कर दूं कि जी। हमने जो है अभी तक जो चर्चा की है वो ब्रह्मा के 100 वर्ष की चर्चा की है, और सौ जी वर्ष में हमने पूरा कैलकुलेट किया है ना। जी जैसे हमने बात की है कि चतुर्युग की बात जो हमने की है, उस चतुर्युग में कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग इसी सीक्वेंस से आते हैं, हाँ जी और कलयुग 4.5 लाख का होता है, 9 लाख का उससे डबल द्वापर होता है, 18 लाख का त्रेता, 36 लाख का सतयुग, ऐसे डबल हाँ होता चला इसमें एक जाएगा। हमारी मनुष्य की वो रह गई लाइफ, इसमें क्या होता है जीवन कितना होता है एक मनुष्य का, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में मनुष्य के जीवन का भी फर्क है। हाँ कलयुग में कैसे? 100 वर्ष की आयु होती है, ठीक है, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु होती है, द्वापर त्रेता में में दस 1,000, हजार वर्ष की आयु होती है और सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती है 1 लाख वर्ष की जीव आयु की, होती है। हाँ जी मनुष्य योनि। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि इन 4.5 लाख, 9 लाख, 18 लाख और 36 लाख, इन सभी चारों युग का पूरा वर्ष मिला करके एक चतुर्युग होता है। हाँ जी ठीक है, और एक चतुर्युग को अगर हम देखें तो अगर 12 12 घंटे का एक दिन होता है ना, 12 घंटे जी का एक दिन होता है ब्रह्मा का, तो उसमें 1,000 चतुर्युग आते हैं, हाँ जी यानी 1,000 बार ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग आएंगे जी बिल्कुल 12 घंटे में। ठीक है, जी अब अगर हम रात्रि भी जोड़ लें ब्रह्मा की, तो 2,000 बार यही चतुर्युग बार 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 आएंगे, जब जाकर के नहीं एक दिन नहीं ब्रह्मा नहीं का नहीं होगा। नहीं वो जो रात्रि है ना उसमें चतुर्युग नहीं आते, ओके ओके, रात्रि में ब्रह्मा जी रेस्ट करते हैं, सारे जीव ब्रह्मा वो जी में शांत है समा जाते बिल्कुल हैं। हाँ नहीं सारे जीव भी ब्रह्मा जी में समा जाते हैं रात्रि के टाइम पे। जी, तो जो वो 12 घंटे, इसका मतलब ये हुआ यानी कि 1,000 चतुर्युग सृष्टि चली, फिर हाँ 1,000 चतुर्युग रेस्ट, फिर हजार ठीक है चतुर्युग सृष्टि चलेगी, फिर 1,000 चतुर्युग ठीक है। रेस्ट, हर दिन में रेस्ट है। तो 1,000 से यदि हम 1,000 चतुर्युग का मतलब है 1,000 मल्टीप्लाई, जिसके अंदर एक चतुर्युग को जोड़ करके आ जाएगा ये, है ना। 1,000 चतुर्युग में आपके 4.5 लाख, 9 लाख, 18 लाख, 36 लाख शामिल हैं, हाँ इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1,000 है ना, मल्टीप्लाई बाई 1,000, इतना जी, जाकर के 12 घंटे जो है ब्रह्मा ब्रह्मा के जी के होते एक हैं। दिन के दिन दिन होता है सिर्फ, रात ठीक है, नहीं होती, और इतनी ही इसी बड़ी तरह रात से, होती है। हाँ इसी तरह से हम अगर 2,000 चतुर्युग कर दें, 365 से मल्टीप्लाई,
तब जाके 1 वर्ष ब्रह्मा जी का होगा। जी लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जब आप कह रहे हैं 1000 चतुर्युग जी और रात्रि को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, फिर वो चतुर्युग 2000 कौन से हैं, दिन वाले? मैं आपको वही बता रही हूँ कि 1000 चतुर्युग जितना जो टाइम होता है ना, उतने ही टाइम की रात्रि भी होती है। जो टाइम स्पैन है हजार लेकिन उसके अंदर चतुर्युग का, ये नहीं आ रहे हैं, कलयुग द्वापर त्रेता कुछ सतयुग भी नहीं नहीं आ आ रहे, रहा, सारे जीव ब्रह्मा जी में समा गए और पर उतना रेस्ट कर समय रहे तो हैं। है ना, उतना समय तो कैलकुलेट हाँ हो ही रहा है। उतना, हाँ उतना समय कैलकुलेट हो रहा है, तो वो टाइम पीरियड उनका एक दिन और एक रात्रि का 2000 चतुर्युग जितना होता है। ठीक है, तो 2000 चतुर्युग × 365 डेज, हाँ ये जी जाकर के 1 वर्ष हो गया ब्रह्मा जी की आयु। ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है, जी बिल्कुल, ठीक है, और सौ हाँ वर्ष जी के बाद फिर दूसरे ब्रह्मा की नियुक्ति हो जाती है। जी बिल्कुल। फिर आपने बताया कि भूलोक पे सिर्फ कर्म फल बनते हैं, जिसमें कि आपने 84 लाख योनियां टोटल बताई, जिसमें से 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, और वो 4 लाख योनियों में कर्म फल चलता रहता है, और उसका जो फल बनता है वो बाकी के जो ऊपर नीचे के जो 13 लोक हैं, वो जी तेरह तेरह लोक में जाकर के उसकी भोग वृत्ति होती है। हाँ जी ठीक है, हमने यहां तक कवर कर लिया है अभी। जी ठीक है, आगे चलिए जी। अभी इसमें क्या हो रहा है, अब हम ये बताएंगे इसमें श्री कृष्ण कब आ रहे हैं उनके एक दिन में, और श्री राम कब आ रहे हैं। ओके जो हमारा 1000 चतुर्युग का टाइम होता है ना, उसमें क्या होते हैं, हमारे 71 चतुर्युग का एक मन्वंतर होता है। एक सेकंड दे दी, ये नया वर्ड आ गया। जी अभी तक हमने चतुर्युग, भूलोक, कर्मफल ये सब किए, अब जी चतुर्युग की बात कर रही हैं आप उसकी। हाँ, 71 चतुर्युग का एक मन्वंतर होता है और 14 मनु का एक दिन होता है मैं ब्रह्मा जी नोट कर का। लेता हूँ, मैं नोट कर हाँ लेता जी हूँ, जरूर, रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जी आपने जरूर कहा एक चतुर्युग, 71 चतुर्युग का जी, एक मन्वंतर होता है। एक मन्वंतर होता है, ठीक हाँ है, ठीक है। ठीक है, और जो उसमें ये माइक मिल गया था मैं देख सबका ना। लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड, इन हाँ लोगों जी सब लोग नहीं दिखाई दे रहे, किसका है? हाँ जी हाँ ठीक जी वो साउंड बहुत है, ज्यादा एक्चुअली। ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी मैं फिर से कनेक्ट कर लूंगा। जी जी ठीक ये है, OnePlus Note 8 CE 2, ये आप रीनेम कर लें ताकि हमें पता लगे कि हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। OnePlus Note CE 2। ये सरोज दीदी हैं प्रभु अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो हाँ जनकपुरी के पास ही है ना, जो अच्छा, वो है, ठीक है, ठीक है। इनको हम बोला था मैंने आज क्लास में आने के लिए ओके ना। ओके ओके, ठीक है। हाँ दीदी, ठीक है, तो अभी ये हम क्या कर रहे हैं। हाँ, इकहत्तर चतुर्युग का हो गया, वन मन्वंतर, ठीक एक मन्वंतर, तो है। जो एक एक डे हमने 1000 चतुर्युग का बताया ना, ठीक है, उसमें 14 मन्वंतर होते हैं। एक सेकंड दीदी, 1000 चतुर्युग का कितने? 14 मन्वंतर होते हैं 1000 चतुर्युग में, ठीक है, 14 मन्वंतर। अब आप 71 चतुर्युग से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैलकुलेशन आएगी 994 14 मन्वंतर को 71 चतुर्युग से, हाँ, मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन आएगी 994 994, ये क्या हो गए? ये मतलब मैं एक दिन के चतुर्युग बता रही हूँ कितने हो गए हमारे, एक दिन के। 14 मनु, 14 मनु हुए ना इसमें, 14 मन्वंतर आ रहे हैं प्रभु जी। हाँ, एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं 14 मनुओं के, तो जो संधि काल का समय होता है ना, वो 6 चतुर्युग जितना बच जाता है हमारा। जैसे जब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है तो एक नहीं टाइम नहीं स्पैन एक आता मिनट है। दीजिए, एक मिनट, संधि आप ऐसे काल बहुत टाइम लगा रहे हो प्रभु जी, नहीं, कुछ कोई लोग बात नहीं सभी है, बोर तो नहीं हो रहे कहीं। नहीं, बोर नहीं होंगे एक्चुअली, मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर जी हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने चतुर्युग की कहानी हमें क्लियर हो गई है, बिल्कुल चतुर्युग जी तक तो कोई बिल्कुल। समस्या नहीं है। फिर उन्हीं चतुर्युग को आपने 71 कर दिया, 71 = 1 मन्वंतर, हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया। अब उस 1 मन्वंतर को आपने 1000 चतुर्युग के बराबर कर दिया, जी नहीं, हाँ नहीं, 71 चतुर्युग के बराबर 1 मन्वंतर हो गया, और फिर 1000 चतुर्युग के बराबर हो गए 14 मन्वंतर, जी और उनमें यदि हम 71 चतुर्युग का मल्टीप्लाई कर दें तो 994 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? चतुर्युग आ रहे हैं ना, 994 चतुर्युग आ रहे नाइनटी हैं। फोर चतुर्युग हो गए एक दिन के। हाँ, अच्छा, एक दिन के हो गए ये, 994 चतुर्युग हो गए जो हैपन हो रहे हैं
और जो बाकी के जो 6 चतुर्युग बच रहे हैं ना हमारे 1000 हाँ में, हाँ 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 वो हमारा जो संधि काल का समय है वो होता है। अच्छा संधि जैसे काल, जो, हाँ, जो जैसे सतयुग से कलयुग बदला तो टाइम लग रहा है ओके ना, ठीक है, जैसे अब क्लियर हो गया। चतुर्युग खत्म हुआ, दूसरा चतुर्युग स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो बीच का टाइम होता है वो 6 चतुर्युग जितना होता है। तो इस ठीक तरह से ये 1000 चतुर्युग निकलते हैं हमारे, है ओके ठीक है। ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, जब हमारे ये अब क्या हो, 14 मन्वंतर हो गए दिन के और 14 मन्वंतर हो गए रात के, तो टोटल कितने हो गए, 28 मन्वंतर, 28 मन्वंतर हो गए ना। अब क्या होता है, जो श्री राम आ रहे हैं ना पृथ्वी लोक पर, वो आते हैं हर एक ब्रह्मांड में 24वें मन्वंतर में, जब 24वां ग्रुप होता है चतुर्युग का, ये 24वां मन्वंतर आता है हमारा, अच्छा ठीक है। और जब 28वां मन्वंतर आता है उसमें आते हैं श्री कृष्ण, और ठीक है 28वें मन्वंतर के ही द्वापर युग के बाद जब कलयुग आता है तो उसमें आते हैं चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लेकर। ठीक है और जबकि जितने और इसके सिवा जितने भी कलयुग आएंगे ना, जो हमारे 1000 चतुर्युग में 1000 बार जो कलयुग आएंगे उनमें आते हैं कल्कि अवतार, अच्छा पर हमारा वाला जो 28वां मन्वंतर जो अभी चल रहा है, अभी हम लोग 28वें मन्वंतर हैं में हैं, 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण आकर गए हैं और 500 वर्ष पहले महाप्रभु आकर गए हैं। तो दीदी जो महाप्रभु भी 28 मन्वंतर है ना, एक जी आपने वो 14 हो गए दिन के, 14 हो गए रात के, जी तो रात वाले तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे ना। नहीं, पर कैलकुलेट तो होंगे क्योंकि 28 मन्वंतर तो तभी पूरे होंगे ना। अच्छा इसलिए वो कृष्ण जो जन्म ले रहे हैं वो रात्रि में ले रहे हैं नहीं ऐसे। नहीं 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 ऐसा अच्छा नहीं है प्रभु जी, जो अच्छा 14 रात के कैलकुलेट हो गए, 14 के बाद शुरू हुआ अगला 14, तो वो 14 में दिन स्टार्ट हो गया ना, अच्छा ठीक है उस वाले 24वें में आ रहे हैं श्री राम और 28वें में आ रहे हैं श्री कृष्ण, और उसी के कलयुग में आ रहे हैं महाप्रभु। ठीक है। 28वें के बाद जो आ रहा है वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। ठीक जी, है अब हमारा क्या है, ये ही एग्जिट पॉइंट है 28वां मन्वंतर, और 28वें मन्वंतर में हम हैं इस समय। तो एग्जिट पॉइंट मतलब ऊपर के धामों में जाने के लिए, नहीं, और एग्जिट पॉइंट मतलब कृष्ण भक्ति में आकर या राम भक्ति में आकर यहाँ से निकलना, और अच्छा किसी कलयुग और में नहीं में जाएंगे, किसी और में नहीं नहीं, जाएंगे। किसी भी कलयुग में नहीं जा सकते इस कलयुग को छोड़कर हम, क्योंकि कलयुग में इतनी लिबर्टी दी गई, कलयुग में ना हवन ना अर्चन पूजन ना ताप तपस्या ना ध्यान, किसी से भी कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कलयुग में संभव ही नहीं है, अगर हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, चित्त इतना फैला हुआ है हमारा, और अगर हम पूजा अर्चन करने बैठे तो हमारे पास वस्तुएं ही नहीं है शुद्ध, हम किस चीज को तो ठाकुर जी को पहनाएं, ठाकुर जी पूरे जगत के स्वामी हैं, उन्हें असली मणि मणके हीरे पहनाने चाहिए, हमारे पास खुद ही पहनने को हीरे नहीं है, हम उन्हें क्या पहनाएंगे। और खाने के लिए 56 भोग लगते हैं उनके तीनों टाइम, यशोदा मैया का अगर हम पीछे जाएं ग्रंथों में देखें कितना कितना भोजन बनता है उनके लिए, तो हमारे लिए वो भी बनाना संभव नहीं है, तो वो भी संभव नहीं है कि हम ठाकुर जी का अर्चन पूजन से कर सकें। और हवन की बात रही, हवन के लिए शुद्ध सामग्री चाहिए, ना हमारे पास घी शुद्ध है ना हमारे पास हवा शुद्ध है, हवन जो होता है वो अग्नि का आवाहन किया जाता था, आवाहन से अग्नि स्वयं प्रकट होती थी, अग्नि देवता स्वयं प्रकट होते थे, तब उस हवन को शुद्ध हवन कहा जाता था। तो हवन से हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को सतयुग में, ठीक है, अर्चन पूजन से हम प्राप्त कर सकते हैं द्वापर में, और इससे नहीं सॉरी सतयुग में ध्यान और पूजा आदि से, त्रेता में है हवन सतयुग से में ध्यान ध्यान योग द्वारा, ध्यान योग और त्रेता हाँ तपस्या, तपस्या। नहीं सतयुग में कह रही हूँ तपस्या ध्यान योग, अच्छा तपस्या ठीक है तपस्या के द्वारा सतयुग में, इसका एग्जाम्पल ये भी है ना, जैसे इसने हिरण्यकश्यप ने की थी तपस्या है ना, और त्रेता में प्रहलाद क्या महाराज है। भी तपस्या करने चले गए थे, वो भी सतयुग में थे, ध्रुव महाराज भी सतयुग में थे, तपस्या करने चले गए थे वन में, उन्होंने भगवत प्राप्ति करी तपस्या के द्वारा, ठीक है। और त्रेता युग में करते हैं हम हवन के द्वारा, श्री राम जी भी हवन करते थे, देखो हमेशा यज्ञ करते थे, यज्ञ द्वारा प्राप्ति होती थी त्रेता युग में, और द्वापर में अर्चन पूजन, खूब 56 भोग लगाना, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना, खूब सुंदर सुंदर मणि मटके पहनाना, और कलयुग में ये तीनों ही विधियां फेल हो जाती हैं क्योंकि संभव ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ महामंत्र। यहाँ पर सिर्फ महामंत्र करके ही हम निकल सकते हैं, और लिबर्टी दी गई
कि तुम्हें ना तो शुद्ध अवस्था की आवश्यकता है, ना शुद्ध मन की आवश्यकता है, ना कोई पाप छोड़ने की आवश्यकता है, पाप अपने आप इसे करने से छूट जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं बंपर लॉटरी टाइम, जो ट्वेंटी अच्छा एट मन्वंतर हाँ है ना, बिल्कुल 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 28वां जो मंत्र है, मन्वंतर है, इसको बोला जाता है बम्पर लॉटरी टाइम। अभी हम शायद इसी पे आज डिस्कस हो जाएगा, बाकी पाप बाप का अगली क्लास में बता दूंगी, या इसी पहले पाप को यहाँ पे बताऊं मेरा एक इसको। प्रश्न और है जो हाँ शायद औरों जी के भी काम आएगा, कि जी जैसे आपने कहा कि ये 28वां मन्वंतर चल रहा है और इसमें एग्जिट पॉइंट है हमें यहाँ से निकलने का, जी बिल्कुल तो आपने कहा बाकी और कहीं पे एग्जिट पॉइंट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी किसी नहीं। भी युग में नहीं है। तो अगर वो जो तपस्या कर रहे हैं सतयुग में और उनकी वहां तपस्या सफल हो रही है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वहां से एग्जिट पॉइंट नहीं है उनका? नहीं, उनको हो रही है भगवत प्राप्ति, मैं कलयुग की बात कर रही हूँ। अच्छा कलयुग सिर्फ में कलयुग की, 28वें ओके मन्वंतर के ठीक है, सिवा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। अच्छा कलयुग में 28वां मन्वंतर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि कलयुग में इसलिए प्राप्ति संभव है ना, जो हम सतयुग द्वापर और त्रेता की बात कर रहे हैं, उनमें 1 लाख वर्ष की आयु है, 10,000 वर्ष की आयु है, 1,000 वर्ष की आयु है, तो उतना करके भी उन्हें नहीं प्राप्ति हो रही, वो बार जितना बार यहाँ बार सौ बार वर्षों में रिपीट हो रही होता है। चला जा रहा है। हाँ, 100 वर्षों में भी हम आधा जन्म तो ऐसे भी अर्थ कर देते हैं, सोने में, खाने में, पीने में। तो कलयुग में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, अब बिना किसी शुद्धता के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी खर्चे के। सिर्फ क्या करना है, हरि नाम करना है और एकादशी करनी है और कथा श्रवण करना है, और कुछ मतलब कितना सिंपल है ना, इसमें भगवान ने पूरी लिबर्टी दे दी। इसको लेके कथा सुनाते हैं गुरुदेव, कहते हैं सुना दूं प्रभु जी कथा। हाँ दीदी आप सुना दो। हाँ, एक कलयुग को लेके एक कथा सुनाते हैं गुरुदेव, कि एक के सेठ जी के 4 पुत्र थे। तो उन्होंने, सेठ जी ने एक बार उनकी योग्यता को देखने के लिए उनको 2-2 लाख रुपए दिए और बोले जाओ इससे कुछ कमा कर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ मेरा कौन सा पुत्र कितना योग्य है। तो 4ों पुत्र चले गए। फिर 1 वर्ष बाद 4ों पुत्र लौट कर आए, तो जो सबसे बड़ा पुत्र था वो आया, वो 2 लाख के 3 लाख कर कर लाया। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। क्या किया? बोला मैंने बिजनेस किया। फिर दूसरे बेटे को बुलाया कि बेटा तूने क्या किया? वो 2 लाख के 4 लाख करके लाया था। उसको बोला वाह बेटा, तूने तो और भी बनाए पैसे। उसने कहा तूने क्या किया? बोला मैंने कुछ बिजनेस किया, कुछ दान कर दिया। बोले अच्छा बेटा, शाबाश। फिर तीसरा बेटा आया। ये हमारे ऐसे सतयुग, द्वापर और त्रेता को समझना है, 3 युगों को, ठीक है, ये गुरुदेव ऐसे बताते हैं। ठीक फिर ठीक है तीसरा दीदी, पुत्र आया, तीसरे पुत्र से बोला बेटा तूने क्या किया? पापा मैंने दान में भी लगाया, मैंने ये भी किया और मैंने बिजनेस में भी लगाया, इसलिए वो लेके आया 2 लाख के और 6 लाख। अब आई जी कलयुग की बारी। कलयुग से फिर उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तू क्या कमा के ला? कह रहा मैं कुछ भी नहीं लाया, मैं दरिद्र हो गया बिल्कुल, मैंने सब कुछ जुए सट्टे में हार दिया, मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है। तो सेठ जी बोले अब मेरी संपत्ति का वारिस ये चौथा पुत्र है, जिसने जो 1 रुपया भी नहीं लेकर आया। अब 3ों पुत्र भड़क गए सेठ जी के, कि ये क्या बात हुई पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं 2 लाख के 4 लाख लाया, ये 8 लाख लाया, ये 6 लाख लाया, हम हैं संपत्ति के असली अधिकारी, हमने आपकी संपत्ति को बढ़ाया है, तो आप इसको क्यों दे रहे हो सारी संपत्ति? वो बोले क्योंकि जो सबसे नालायक पुत्र है उसी को तो मेरी संपत्ति की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई योग्यता ही नहीं है। तुम में योग्यता है, तुम भी कर लोगे, तुम में भी है, तुम में भी है, पर इसमें कोई योग्यता नहीं है, तो इसे तो मुझे अपनी संपत्ति देनी ही पड़ेगी। तो इसको गुरुदेव फिर इसका तात्पर्य ये बताते हैं कि क्योंकि कलयुग में जीव के अंदर कोई भी क्वालिटी है ही नहीं, और वो चाहकर भी पैदा नहीं कर सकता, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता से नहीं छूट सकता, माया के जाल से नहीं निकल सकता, तो कलयुग में जीव के पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि सब कुछ दे दिया, हरि नाम में अपनी सारी संपत्ति दे दी, एकादशी में अपनी सारी संपत्ति दे दी, कि ठीक है भाई तुम इतना ही कर लो, और इसमें तुमने 10 साल भी कर लिया ना तो भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, और अगर तुमने क्षण मात्र भी शुद्ध भजन कर लिया ना उसमें भी तो भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। कलयुग में ये लिबर्टी है, ये फायदा है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये बंपर लॉटरी और एग्जिट करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सतयुग त्रेता और द्वापर में भजन किए बिना नहीं जाएंगे हम, और वो भी लंबे 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 करते करते करते। और कलयुग में अगर कहते हैं 1 मिनट भी शुद्ध भजन हो गया ना, शुद्ध भजन बिना किसी अपराध रहित अपराध के, तो बिल्कुल उस मिनट में भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस कलयुग का ये फायदा है। अभी अगर हम सोचें कि अभी प्रभु जी देखो, हम लोग थे तो और सारे मन्वंतरों में भी ना, 28वें मन्वंतर से अलग, और बार बार पता नहीं जब से भगवान है, जब से सृष्टि है, तब से हम भी हैं, आत्मा का तो विनाश कभी होता नहीं, थे तो हम जब भी,
जब माँ प्रभु आए हम जब भी थे, जब कृष्ण आए जब हम भी थे, जब श्री राम आए 24वें मन्वंतर में हम जब भी थे। और ये कितनी 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 बार रिपीट हुआ होगा, और हम हर बार हजार चतुर्युग में वहां होंगे ही होंगे, पर हम तो कभी भजन में नहीं आए, कभी किसी भगत से नहीं मिले, हमने कभी भजन नहीं किया। उसका प्रूफ है कि हम आज यहाँ बैठे हैं कलयुग के अंदर। तो हम भजन यहाँ किसको कह रहे हैं दीदी? भजन होता है जी, जब हम एक गुरु जी को धारण कर लेते हैं ना। एक शुद्ध गुरु होने चाहिए, एक गुरु की भी क्वालिटी होती है, वो भी हम एक दिन क्लास लेंगे कि ठीक शुद्ध है। गुरु की क्या क्वालिटीज होती हैं। क्योंकि कुछ लोग ना भजन उसको भी समझ रहे हैं, जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम उसको भी भजन समझ रहे नहीं, हैं। वो पूजा अर्चन के अंदर आता है, वो भजन के ठीक है, अंदर नहीं आता। तो भजन की परिभाषा क्या है और भजन है क्या एक्चुअल में? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो मतलब कोई भी अभिलाषा ना हो तुम्हारे अंदर, और जो ज्ञान और कर्म से भी आवृत ना हो, यानी ठीक ना है। तो उसमें ज्ञान हो ना कर्म हो, वो होती है शुद्ध भक्ति। कृष्ण अनुकूल होनी चाहिए, उसी को शुद्ध भक्ति बोलेंगे। तो शुद्ध भक्ति होनी आवश्यक है। भक्ति भी बहुत तरह की होती है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, वो सब नहीं चाहिए। शुद्ध भजन जो होगा मतलब जो एकमात्र श्री जब कृष्ण के अनुकूल हो, बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग जो हम भजन कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके हाँ अनुकूलता को जी देखते हुए, वो भजन है जी एक्चुअल में, है ना? जी बिल्कुल, उसमें हाँ पूजा जी। पाठ का कहीं कोई स्थान नहीं है। पूजा पाठ एक कृष्ण की सेवा करना, सेवा होना चाहिए। भजन है, बस। भज धातु से बना हुआ है, भज धातु से बना, और भज का अर्थ है सेवा। अभी यहाँ पे कोई मेरा अपराध ना ले, मैं एक साधारण सी बात कर रही हूँ। यहाँ हमारे आसपास जितने भी मंदिर बने हुए हैं, हर एक की कॉलोनी में, घरों के आसपास कोई ना कोई मंदिर है जिनमें हम जाते हैं, क्या वहां पे जितने भी डेटीज हैं उनको डेली नहलाया जाता है? क्या उनको डेली कपड़े हाँ, पहनाए सेवा जाते सेवा, हैं? आप बेसिकली आप सेवा सेवा को दिखा रही हैं जी, कि भजन के हाँ अंदर हाँ सेवा शामिल है। सेवा। और क्या उनको तीनों टाइम भोग लगाया जाता है प्रॉपर, अच्छी सारा खूब अच्छा बड़ा सा प्लेट बना के अच्छे से? वो परिपाटी नहीं है सेवा भाव, कि उनको निलाना, उनको चामर डुलाना, उनके फिर फेस्टिवल्स करना। हमारे मंदिरों में, मेरे घर के पास तो जो मंदिर है जी, उसमें 2-2 महीने हो जाते हैं ड्रेस बदले हुए ठाकुर जी के। भोग भी लगाया लगाया, ढंग से नहीं लगाया, नहीं लगा। मोस्टली मैंने अपने आसपास के मंदिरों में यही देखा है ठीक है, कि तो हम पुजारी भजन, लोग, हाँ, जो तो पंडित हम लोग भजन ज्यादा को ये कुछ को, समझें, हाँ भजन को हम सिर्फ ये समझें कि भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना प्रेममयी है सेवा ना, होनी चाहिए प्रेममयी कि सेवा मेरे, करना, अभी बिल्कुल। जैसे हमें बताया गया, हमने घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं ना, आपने भी रखे हुए हैं, कितने प्रेम से उन्हें सदस्य मानते हैं। अपना कपड़ा लाने से पहले उनका कपड़ा लाना है, खाना बनाना है तो ठाकुर जी के लिए बनाना है ना। सफाई हम घर की कर रहे हैं तो इस भाव से कर रहे हैं कि ठाकुर जी इस घर के मालिक हैं, अच्छे से सफाई होनी चाहिए। हम स्नान भी कर रहे हैं तो इस भाव से कर रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा करनी है तो हमें स्नान करना भगवान है। को सेंटर में रख करके उनका प्रेम बिल्कुल, पूर्वक हम सेवा करना, ये भजन है। हाँ उन्हीं के लिए प्रसाद बनाना, उन्हीं के लिए हम स्नान कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम सफाई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम घर में अपने बच्चों, पति पत्नी का भी पालन कर रहे हैं, कि ये सब ठाकुर जी की सेवा के लिए है। मेरे पास ठाकुर जी की सेव्य वस्तु है सारी की सारी। जब ये भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, तब हमारा भजन स्टार्ट होगा। फिर वो जब हमें हमारे चैंटिंग में भी मन लगेगा फिर तो। जी बिल्कुल, हमारा जो है ना भाव इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। अभी होगा पर स्टार्टिंग, जैसे उस दिन दीदी पूछ रही थी, एक माला से स्टार्ट तो करें ना, हम हाँ, बिल्कुल। दो नहीं कर सकते, एक एकादशी तो करें। शुरुआत करते 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 एक दिन तो घड़ा भर ही जाएगा ना, तो जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस दिन हमारा भजन हो जाएगा, उस दिन हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर ये कलयुग में, मैं कह रही हूँ ये वाला कलयुग, मैं तो बहुत ही बड़भागी मानती हूँ अपने आप को, कि इस जन्म में मुझे गुरुदेव मिले, इस जन्म में उन्होंने मुझे भजन बताया, इस जन्म में हमें कृष्ण भक्ति में लगाया, तो उनका इतना आभार है, इतना आभार है, कि इसमें हम भजन करके निकल सकते हैं। और उसका एक फायदा और भी है। चलो अभी यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि भाई कोई इतनी मात्रा में 24x7 तो भजन नहीं कर पाएगा अभी, अभी तो भाई गृहस्थ में है, माया में है हम, तो ठीक है थोड़ा 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 प्रैक्टिस करो, आगे और बढ़ेगा, अगले जन्म में फिर और बढ़ेगा। अभी तो कलयुग भी तो 4.5 लाख वर्ष का है, कौन सा खत्म हो गया? 4.5 लाख वर्ष में अगर 100 वर्ष की भी एवरेज मांगे तो भी कितने सारे हो गए हमारे जन्म, तो भी ये एग्जिट पॉइंट है और कमी है समय। हर जन्म में भजन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 4.5 लाख पूरे होते तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी ना। तो जो हम जीव कह रहे हैं, वो जीव किसको कह रहे हैं? हम मनुष्य को कह रहे हैं या हम किसी भी योनि का कह रहे हैं? जीव जो हो गया जी, किसी भी योनि में आत्मा को होता है, आत्मा का ठीक शब्द है। है जीव, सोल। तो हाँ, तो आपने वो जो 84 लाख योनि बताई थी, उसमें कितनी बार वो भ्रमण कर रहा है? नहीं ये तो उसका अनंत हो गया ना, इसकी तो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप बताओ।
अच्छा 84 लाख क्योंकि योनि में वो बार 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 अर्न। 84 लाख में, पहले तो आप ये बताओ अभी हमारा कितना, मैं बताती हूँ एक बार, 71 चतुर्युग की लिखी हुई है मैंने ना, 71 चतुर्युग जो सिर्फ एक मन्वंतर है उसकी एज है 30,67,20,000। 1 सेकंड, 71। 71 चतुर्युग जो हमने एक मन्वंतर बताया ना आपको, हाँ, एक मन्वंतर की कैलकुलेशन है 30,67,20,000 वर्ष, 1 करोड़, नहीं 30 करोड़, 30 करोड़। 30, हाँ 67,20,000, ये है एक मन्वंतर की कैलकुलेशन। वर्ष। हाँ जी, अब आप ये बताओ 84 लाख इसी में ही कितनी बार आ गए, 30 करोड़ में ही 84 लाख कितनी बार आ गए, आप बताओ। सही बात है। तो तो फिर अनंत हो, कैलकुलेशन अनंत अनंत हो गया। बहुत अनंत है, तो ये किसी का कुल खुल गया माइक ना एक सेकंड, मैं बंद कर रहा हूँ। जी। तो ये सारा का सारा ना हम इस वाले में आए प्रभु जी, सोचो तो सही। इसलिए हाँ, मुझे तो लगता है अब जिसे पता लग गया, जिसे किसी भी भक्त के थ्रू पता लग गया कि हमें यहाँ से निकलना है और 28वें मन्वंतर में ही पॉसिबल है। और हाँ अभी ये 4.5 लाख वर्ष का जरूर है, पर अभी जैसे महाप्रभु को आए हुए 500 वर्ष हुए हैं ना, तो महाप्रभु के आने के 10,000 वर्ष तक ही भजन रहेगा बस। तो जो 10,000 वर्ष है उसी में हम निकल सकते हैं भजन करके। तो कैसे, ये हम फिर से आप रिपीट करो। जी, जैसे ये हमारा 28वां मन्वंतर है, 28वें मन्वंतर में श्री कृष्ण को गए 5,000 वर्ष हो गए, महाप्रभु को गए 500 वर्ष हो गए, है पांच ना हजार कृष्ण कलयुग को में गए, जी, और और 500 500 वर्ष वर्ष हो गए महाप्रभु को। तो महाप्रभु को हो गए। ठीक है। अभी महाप्रभु के जन्म से 10,000 वर्ष तक भजन करने की पूरी योग्यता रहेगी मनुष्य के अंदर, दस अच्छा, हजार वर्ष तक ही ये सुयोग मिलेगा हमें। 10,000 वर्ष के बाद तो इतना गंदा माहौल हो जाएगा, कोई मंदिर मस्जिद कोई भक्त देखने को भी नहीं मिलेगा प्रभु जी, सबकी लीला संवरण हो जाएगी, ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास अभी 500 वर्ष ही बीते हैं, तो हमारे पास अभी 9,000 वर्ष और हैं कि हम अच्छे से भजन कर सकते हैं। 9,000 वर्षों में भी अगर हम 100 की लें तो 900 जन्म हो गए, नहीं सॉरी 90 जन्म हो गए, कितने हो गए है ना। 9,500 बचे ना अभी। हाँ जी 500 वर्ष ही तो हुए, 9,500 जी अभी बचे जी हुए हैं कि जी हमारे भजन की योग्यता रहेगी। उसके बाद कलयुग जो है इसी में चरम रहेगी। तो सीमा पे हमने, होगा। हाँ हमारे पास ये 9,500 वर्ष हैं भजन करने के लिए, तो ये तो अच्छा ही है ना, करना ही चाहिए ना प्रभु जी। अगर हमें समझ में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, तो हमें निकलना ही चाहिए। क्या करेंगे यहाँ, इतने ताप हैं, इतना इतना कष्ट है, रोज हम तिल तिल करके जल रहे हैं, पशु योनि में आते हैं तो कोई मार के खा जाता है ना, चीटा चीटी की योनि में आते हैं तो हमें कुचल दिया जाता है, हम भी तो कुचले गए होंगे, हम भी कभी भैंसे होंगे तो शेर ने हमें फाड़ के खाया होगा, कभी बिल्कुल। मुर्गी होंगे तो कोई जिंदा काट के खा गया होगा, कभी बकरे होंगे तो हमारी गर्दन काट दी, उस पीड़ा से तो हम सब गुजर के ही आए हैं। उस पीड़ा में हम बार बार जा भी रहे हैं टाइम स्पेन के साथ, तो उस पीड़ा में जाने का फायदा क्या है। उतनी पीड़ा से गुरुदेव ये कहते हैं कि इतने जन्मों में कष्ट लेने से अच्छा है, बार बार जन्म लेके इतना कष्ट लेने से अच्छा है कि एक जन्म अगर तुम्हें हरि नाम और एकादशी करने में भी कष्ट हो रहा है ना, तो इस कष्ट को करना ज्यादा अच्छा है, ताकि तुम निकल जाओ। अब दीदी यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है ना, जी क्योंकि यहाँ तो हम अलग अलग माध्यम से सब लोग जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म जी पे। जरूर, हाँ अब जी यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि अब जैसे आप, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने उस पहले भी बात की है कि जो शिव जी की आराधना कर रहा है वो शिव लोक चला जाएगा, राम की आराधना कर रहा है वो राम के धाम में चला जाएगा, अयोध्या धाम चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो क्योंकि कलयुग है, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो वो देवी देवताओं को प्रसन्न करके तुरंत रिजल्ट ले लेते हैं, है ना। या कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे। लेकिन ठीक है, जो भजन की परिभाषा हमने कहा कि प्रेममयी सेवा, ठाकुर जी को सेंटर में रख करके सारी चीजें करना, और उनको ध्यान में करके जब माला भी कर रहे हैं तो उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए माला करना, ठीक है। तो वो चीज नहीं कर रहे, लेकिन और चीजें कर रहे हैं, तो उनका भी तो कोई फल होता होगा, उसका भी तो कुछ फल मिलेगा ही ना। तो प्रभु जी फल, वो फल की इच्छा से ही तो कर ही रहे हैं, हाँ, उसका वो किसी जैसे भी मान फल लीजिए प्राप्ति किसी के लिए ही कर को रहे हैं ना वो नौकरी चाहिए, चीज, है ना, किसी को तो नौकरी उन्हें वो मिल रहा चाहिए। है, उन्हें वो मिल रहा किसी, है। हाँ, किसी ने हनुमान जी के कुछ मंत्रों को सिद्ध किया और उनको बोला कि भाई मुझे ये चीज मिल जाए, तो उनको वो चीज मिल गई।
तो बिल्कुल, मैं ये जानना चाह वो रहा तो हूं। इसी शरीर में प्राप्ति हो रही है ना, हाँ उसका हाँ फल तो उन्होंने साथ साथ मतलब प्राप्त वो कर ही कैलकुलेट लिया। नहीं हो रहा, कहीं पे जमा नहीं हो रहा, वो अकाउंट में नहीं जमा नहीं, हो रहा। वो तो उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई भगवत प्राप्ति नहीं होनी, वही मैं जानना चाह एक रहा था। परसेंट भी सुकृति भी कैलकुलेट नहीं हो रही हाँ वहीं मैं ये उसमें। कहना चाह रहा हूँ, ये तो वो बिजनेस हो गया कि आपने एक मंत्र किया, जी सिद्ध किया और उसके प्रति आपने उसका फल ले लिया, तो बात बिल्कुल वहीं सेटल हो गई। अब वहां पे वही, कहीं पे आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ वो, नहीं हुआ बिल्कुल, एक रुपया है भी नहीं ना। गया गुल्लक में, इसी नहीं तरह से सीधा। हमने देवी देवताओं का किया, उनको प्रसन्न किया, उनसे प्राप्त कर लिया, वहां पे जी कहानी खत्म। जी कोई बिल्कुल आगे का लेना देना नहीं, वो आगे नहीं, जब तक वो कैरी भजन फॉरवर्ड नहीं नहीं होगा होगा। वो कैलकुलेट होगा ही नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब हम भजन गलती भी होना, कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम गलतियां भी कर रहे हैं हाँ ऐसा बिल्कुल कर रहे करके। हैं, गलतियां क्या है, ठीक है, किसी की कोई इच्छा, इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, हाँ अपना ठीक है, गलतियां उन्हें नहीं, जो चाहिए ले गलतियां लिया, नहीं कहेंगे, पर हाँ गलतियां नहीं भजन कहेंगे। नहीं है, वो हाँ सुकृति हाँ नहीं है वो गलतियां नहीं कहेंगे, मैं गलत ना, बोल पर गया, अगर हम उसे पर भजन हाँ समझ रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, वो भजन हाँ नहीं है हाँ मैं वो। वही कहना चाह रहा था, मैं हाँ दूसरी तरह से बोल गया उस चीज हाँ को। कोई बात नहीं प्रभु जी, हाँ मैं समझ कि गई। हाँ, क्योंकि हाँ भजन, अगर हम भजन कर रहे हैं ना तो उससे हाँ जी स्वीकृति बनेंगी, अगर अब नहीं जा पाए तो कभी ना कभी अगले 28वें मनमंत्र में चले जाएंगे, ठीक हाँ है, बिल्कुल, नहीं लेकिन अभी नहीं गए पे, अगर हमारा उतना ऐसा बैंक है ना, बैलेंस नहीं हुआ एक्चुअली तो। जब हम पशु योनि में भी होते हैं या मनुष्य योनि में भी होते हैं, और किसी शुद्ध भक्त की या भगवान की अनजाने में ही हमसे हो जाए कोई सेवा, हाँ बिना जाने भी अगर सेवा हो गई ना, तो उसकी भी सुकृति इकट्ठी हो जाती है। पर उसकी दीदी पता सुकृति है क्या कैसे है, होती है? पता है क्या है, आपने कहा 9,500 वर्ष हैं अभी बाकी, तो हाँ जी, इसके बाद कलयुग इतना चरम सीमा पे होगा कि हम भजन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल तो नहीं मेरा प्रश्न यहाँ पे इसलिए इतना सीरियस हो गया कि जी। 9,500 वर्षों में अगर बाकी के लोग जो रिचुअल्स कर रहे हैं और उसकी फल प्राप्ति साथ के साथ भोग रहे हैं, तो अगर इस लेवल पे आके उनको ये पता चल जाए, अरे हमने तो अब तक गलत डायरेक्शन में थे, अब हमें भगवान को सेंटर में रख करके भजन स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या वो 9.5 साल में वो यात्रा हम पूरी कर पाएंगे भजन की। बिल्कुल, मैंने तो अभी बताया 1 मिनट में भी हो जाएगी अगर शुद्ध भजन हो गया तो। ओके एक ठीक बार है। भी अगर हमने कृष्ण नाम कर लिया ना शुद्ध, हाँ वो हमसे हाँ अभी हो नहीं रहा, क्योंकि काम हाँ क्रोध लोभ मोह मत्सरता हमारे अंदर कुट कुट के भरी है अभी। इतने अनर्थ हम अपराध अभी है, कहाँ हो प्रयास कर रहे जाएगा। हैं, हाँ, इतने करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के अपराध है हमारे, पाप है, तो नहीं होगा, संभव नहीं है, पर कभी अगर शुद्ध हो गया तो एक हमें हो बार भी। जाएगी। हाँ हाँ, तो 9,500 तो बहुत बड़ा वर्ष है, फिर भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, वो तो तो शुद्धता ये आने की शिफ्टिंग बात है। कैसे होगी दीदी, ये शिफ्टिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी शुद्ध वैष्णव हैं, है ना, परम जी वैष्णव हैं, उनकी भक्ति कर रहा है, वो तो भक्ति वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जबकि भक्ति वर्ड यूज हो रहा है सिर्फ ठाकुर जी के भजन के साथ ना, नहीं जिसमें ऐसा सेवा नहीं आ है, रही है। हनुमान जी की भी भक्ति होती है, श्री राम हाँ की भी भक्ति होती है, लेकिन शिव जी की सेवा, भी लेकिन हम भक्ति, सेवा के रूप में देखें जब। प्रभु जी उनकी भी सेवा करते हैं जो भक्त होते हैं, क्योंकि हाँ, जो भक्त होगा ना वो भक्त ही होगा, वो उनसे कुछ नहीं मांगेगा, वो ओके इस ठीक इच्छा है। से नहीं जाएगा कि हनुमान जी मेरा हाँ ये ठीक कर तो दो, यहाँ वो दो प्रेम कैटेगरी से हो गई, जाएगा। वो दो कैटेगरी हो गई फिर, यहाँ दो जी कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी हो गई जिसने अपना प्रसाद चढ़ाया, भगवान से मांगा और हिसाब पूरा किया, उसके अच्छा, बदले में लिया, प्रसाद की खत्म। भी कथा सुन लो, हनुमान जी की, प्रसाद के पीछे भी एक गुरुदेव बात बताते हैं, वो हाँ ये कहते हैं हनुमान जी किसको प्रेम करते हैं, उनके सेव्य वस्तु कौन है, श्री श्री राम, राम, श्री राम। तो एक सेवक कैसे प्रसन्न होगा अगर उन्हें अपने ठाकुर जी से कुछ मिले, है ना, श्री राम की जो वस्तु मिलेगी उससे वो प्रसन्न होंगे। तो जो लोग श्री हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं उन्हें पहले प्रसाद श्री राम को चढ़ाना चाहिए, हाँ तब वो फिर सेवा उनका मानी गई ना। प्रसाद हनुमान जी को देंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हाँ इसी तरह शिव जी भी, जो लोग ये 40 दिन का चलिया जाता है हमारा, हाँ इसमें अभी गया ना सावन में, हाँ तो उसमें क्या जो लोग अभिषेक करके आ रहे हैं, अरे कोई कितने बड़े बड़े अभिषेक, दिन अभिषेक, रात अभिषेक, गन्ने के रस का अभिषेक और दूध का अभिषेक, और पता नहीं जाने क्या क्या करते हैं फ्रूट लोग ना इन जूस का 40 दिनों अभिषेक, में, फ्रूट जूस बहुत का। बहुत चलते हैं, हाँ पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर आप अपने घर में कृष्ण हैं, आपके पास लड्डू गोपाल हैं, उनका अगर अभिषेक ले गए, उनका चरणामृत, या उनको खाली गंगा जल से स्नान करा के, या अपने घर के सादे जल से भी स्नान करा के, वो हो तो हाँ गया ठाकुर जी का हाँ चरण जल, अब उसको उससे दोगे यदि तो हमने, शिव जी हाँ विशेष प्रसन्न हाँ होंगे, क्योंकि वो उनके इष्ट का जल है। तो इष्ट का जल है। हाँ ये, हाँ ये बड़ा लॉजिक है इसमें, पर एक चीज ये भी है, शुद्ध भक्तों का संग भी आवश्यक है ना इस हाँ सबको जानने तभी के तो वो लिए। मेंटेन रहेगा ना, जी बिल्कुल वो भाव जी, मेंटेन रहेगा, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा एसोसिएशन अगर गलत हो गया तो फिर वो कहेंगे अरे कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, तुम बदल दो इस चीज को ना, वो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ हाँ तो बिल्कुल, नहीं यहाँ पे मैं अपने लिए शुद्ध इसलिए, भक्त, हाँ जी हाँ बोलिए, यहाँ पे मैं इसलिए डिटेल में चर्चा कर रहा था कि
हाँ जी हम शिफ्ट कैसे करेंगे, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो दो लोग हो गए, एक तो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं प्रेममयी सेवा, और एक कर रहे हैं हम सिर्फ रिचुअल्स, गए प्रसाद चढ़ाया मांगा और पूरा हो गया चले आए, फिर दोबारा हम हनुमान जी के पास भटके भी नहीं, है ना, क्योंकि तो काम कंप्लीट हो गया ना, काम के लिए तो जुड़े थे, कुछ लोग जुड़ते ही है ना कि हमारा काम कंप्लीट हो जाए बस, उसके बाद फिर क्या लेना देना है। तो दो कैटेगरी हो गई, एक भक्त हो गया और एक अपना काम चलाने वाला व्यक्ति हो गया। अब चलो जो काम चलाने वाला व्यक्ति है तो उसकी भी स्वीकृति बनेगी क्या कोई, क्योंकि गया तो सही वो मंदिर में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो फल की इच्छा से गया वो तो उसको बराबर फल हो मिल गया, गया। ये बराबर तो हो गया। कृष्ण के साथ भी है, जो कृष्ण के लिए भी है, इस फल की इच्छा से कर रहा है, उसको भी सिर्फ फल ही देंगे कृष्ण, उसको भी नहीं मिलेगा कुछ, शुद्ध भक्ति से ही मिलेगा। और जो एक चीज और मैं बता दूं, जो हनुमान जी का भक्त होगा ना, निष्काम भक्त, जिसकी कोई कामना नहीं होगी, वो उसको श्री राम का भक्त बना देंगे, अपना भक्त नहीं बनाते वो। और देवी देवताओं के जो भक्त हैं, देवी देव वो तो उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होनी, कुछ भी नहीं, वो तो जड़ जगत के ही हैं, देवी देवताओं का कोई धाम भी नहीं है, कोई इष्ट भी नहीं है उधर जाके जड़ धाम में। तो अगर जो उनकी भी निष्काम भाव से करेगा तो वो उसको जोड़ देंगे कृष्ण से, क्योंकि वो खुद हाँ, वैष्णव तो दो वैष्णवी तरह के, है। दो कैटेगरी के भक्त हो गए ना, एक एक भक्त जी हो गया और एक अपना बिजनेसमैन हो गया, जी है ना, तो बिजनेसमैन का जी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ना, भक्त को कहीं ना कहीं पार लगा ही देंगे उससे भक्ति रिलेटेड जो देवी बहुत देवता है। बहुत बहुत आवश्यक है। इसी में मैं आगे बताना चाह रही थी कि मान लीजिए इसी तरह के बस जो जीव हैं, मतलब जितने भी मनुष्य जो सिर्फ ठीक है इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, पर अनजाने में उनसे भी कभी ना कभी सुकृति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वो भजन में आ ही जाते हैं। सुकृति कैसे होती है, मान लो कभी कोई शुद्ध साधु उनके घर के आगे आ गया, या वो कहीं वृंदावन गए, या कहीं जगन्नाथपुरी गए, या नब्बी, मतलब कहीं पे भी गए, और वहां कोई शुद्ध साधु था, उसको उन्होंने 10 रुपया दे दिया, या उसको कोई कपड़ा दे दिया, या उसको कोई खाना खिला दिया, तो उससे वो उनका भक्ति में काउंट हो जाएगा। कभी कुछ भी गलती से भी दे दिया, मान लो वो जानते ही नहीं है, किसी भिखारी को ही 50 रुपये पकड़ाया हमने, और वो शुद्ध और भक्त वो है, भिखारी भक्त था, तो सुकृति उसके बन उनकी जाएगी। स्वीकृति बन गई, क्योंकि वो उन्होंने शुद्ध भक्त को दिया। तो ये भी चक्कर है कि इन हमारी भी ऐसी हुई होगी, हम भी ऐसे ही होंगे, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुकृति बनी। जब करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की सुकृति इकट्ठी होती है, तब तब जा एक जीव करके को जाके शुद्ध गुरु मिलते हैं, जिस कैटेगरी में हमें गुरुदेव ने स्थान दिया है, कहते तुम्हारी सुकृतियां बनी है, तब जाके तुम शुद्ध गुरु के संग में आए हो, तब जाके तुम्हें हरि नाम में दीक्षा मिली है, नहीं तो ऐसे कदापि संभव नहीं है कि शुद्ध भक्ति में तुम प्रवेश कर सको। अभी इस प्लेटफॉर्म पे भी जितने लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति के बारे में जान रहे हैं, उनकी भी सुकृतियां हैं, तभी वो इसको श्रवण कर रहे हैं, नहीं तो कोई श्रवण भी नहीं कर सकता है, इसको संभव ही नहीं है प्रभु जी। अच्छा दीदी, हम लोग जी अभी ये 9:30 बज चुके हैं, हाँ 8:30 हमने स्टार्ट किया, पता भी नहीं चला, इतना रसिक कथा हो हाँ गई और जी बहुत अच्छे से कवर हुए हैं पॉइंट्स। हमारा एक पॉइंट रह रहा है, 4 प्रकार के पाप और उनको नष्ट करने के उपाय, तो ये फिर वो हम अगले अगली अगली क्लास में करेंगे, ठीक क्लास में ले लेंगे। है, हाँ जी क्योंकि अभी जी हमें प्रश्न में भी टाइम लगेगा, हाँ, अभी लग जाएंगे तो 10-15 मिनट आप और। सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी सेवक हैं, वो सब अपने अपने प्रश्न कर सकते हैं दीदी से, जिसका भी जो भी क्लियर नहीं हुआ वो पॉइंट, मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ, वन बाय वन अपने प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, सिंगल साहब आप बताइए, आपका क्या नमस्कार प्रश्न? सर। जी हरे कृष्णा गुरुदेव। हाँ जी बताइए, दीदी से आप बात कर रहे हैं, दीदी से पूछिए। नमस्कार दीदी। तो एक्चुअली नमस्कार मेरा सर। नमस्कार मेरा प्रश्न ये था कि एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मेरे को भी उनसे आपने बताया भी हो। एक तो मैं जानना चाह रहा था, जो आप सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की बात कर रहे हैं, तो जो जैसे हम मानते हैं पढ़ते हैं कि राम सतयुग के आखिर में आए थे, कृष्ण जी द्वापर के आखिर में आए थे, अब कलयुग चल रहा है या द्वापर युग आ गया है, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है या जस्ट मैं ये जानना चाह रहा था एक तो। मुझे आपका प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया, आप ये कह रहे कि अभी कलयुग चल रहा है या द्वापर का एंड है? नहीं, द्वापर चल रहा है या कलयुग चल रहा है, मैं एक तो जानना चाहता, कृष्ण जी जो आए थे जी धरती पे, वो क्या कलयुग उसमें द्वापर में आए थे हाँ जी, या वो कलयुग? द्वापर में आए थे। नहीं, वो द्वापर में आए थे।
जैसे आपने अभी बताया कि द्वापर कलयुग ऑलमोस्ट 4000 साल का अभी है, 4 लाख साल नहीं का, नहीं साढ़े अभी नौ तो बहुत साढ़े बड़ा नौ है। हजार देखो, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है काफी। 4.5 लाख वर्ष का है कलयुग कलयुग अभी साढ़े तो, चार सिर्फ लाख वर्ष का है। जी तो मैं वही जानना चाह रहा था कि यदि 5000 साल पहले द्वापर युग था जी और अभी कलयुग चल रहा है और जो कि साढ़े जी चार लाख साल का है, तो जी नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सतयुग सबसे बड़ा युग होता है। जी सतयुग के जो ईयर जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, जी उसके बाद में द्वापर है, उसके बाद त्रेता है, और कलयुग सबसे छोटा युग माना जाता है। जी तो यदि 5000 साल पहले द्वापर था जी तो कलयुग को 4 लाख साल कैसे हो सकता है? देख जो नहीं तो मेरा कलयुग की एज, उसकी द्वापर की एज तो 9 लाख वर्ष थी ना, वो तो एंड में आए थे ना कृष्ण द्वापर नहीं के। तो उससे पहले राम जो आए थे वो आए थे 10000 साल पहले। नहीं, श्री राम इस वाले मन्वंतर में तो आए नहीं, वो तो 24वें मन्वंतर में आए थे, करोड़ों अरबों खरबों सिंगल साल बीत साहब गए आपने उसको। ना स्टार्टिंग का पोर्शन छोड़ दिया, वहां काफी डिटेल में चर्चा हुई है। अभी दीदी आप इनको ये बता दीजिए कि अभी कलयुग का कितना हिस्सा निकल चुका है, कितने साल निकल अभी चुके हैं? कलयुग के सिर्फ 5500 वर्ष बीते हैं 5500 वर्ष बीते हैं, ठीक है, जी। कलयुग के, और बाकी के अभी हमारे पास बचे हैं, बचे हैं साढ़े ठीक चार है। लाख वर्ष में। हाँ तो जी सिंगल साहब जो आपने अभी स्टार्टिंग में स्किप किया है ना, मैं जल्दी से 2 मिनट में आपको रिपीट कर देता हूँ वो। गुरु जी, यदि मेरे को आप यूट्यूब अवेलेबल करा दो हाँ तो मैं बिल्कुल, सुनने ये जो, इसकी रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल कराएंगे आप सबको, हाँ भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं मिल सुनने के जाएगी बाद में मिल फिर जाएगी। मेरा परसेंट मैं फिर बता रहा हूँ मैं, कि मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। दीदी ने बताया 4.5 लाख का कलयुग हो गया, 9 लाख का डबल द्वापर हो गया, उसका डबल 18 लाख का त्रेता हो गया, उसका डबल 36 लाख का सतयुग हो गया, ठीक है। और द्वापर के एंड में कृष्ण आए, वो श्री राम आए, यही ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, द्वापर के एंड में श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण आए, ठीक है। गुरु और जी इसमें हाँ तिवारी जी 1 मिनट, मैं अभी अभी लेता हूँ, अभी लेता हूँ। तो श्री राम 24वें मन्वंतर में आते हैं और कृष्ण 28वें मन्वंतर में आते हैं, और और ये एक चीजें, मन्वंतर 71 चतुर्युग का होता है। हाँ तो ये सारी डिटेल हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी सारी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, ठीक है सिंगल साहब जी। ठीक है, धन्यवाद सर। खैर मैं थोड़ा सा इसके बाद में चर्चा हाँ कोई बात करूंगा, नहीं, देखिए क्योंकि आप क्या थोड़ा सा करेंगे, इंटरेस्ट में। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन लेना, अपने प्रश्न यस नोट कर लेना, अगली क्लास में फिर से आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद ठीक सर, है, धन्यवाद। ओके। हाँ तिवारी जी आप बताइए, जी मैं क्षमा चाहूंगा, सभी कोई को बात नहीं जी नमस्कार। जी कलयुग की आयु 4,32,000 है, जिसमें 5,124वां साल चल रहा है। हाँ वो 4.5 लाख कोई वो आइडिया से बता दिया ना, राउंड फिगर के चक्कर में, एक एक्यूरेट में एग्जैक्ट नहीं बता, बताया, आपने एक्यूरेट बता दिया। एक सौ हाँ नहीं, ये चौबीस हमने क्लास में शुरुआत में बताया था कि हाँ होती 4,32,000 है, पर हम जी, उसे चारों को कैलकुलेट करने के लिए एक राउंड फिगर हम राउंड यूज फिगर ले करते रहे हैं हैं कथा ताकि में बताने के कंफ्यूजन ना लिए। हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा मुझे, मैं काफी ध्यान से मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ जी एक्यूरेसी के लिए मैंने ये बोलना चाहा। हाँ और जो द्वापर था, द्वापर के एंड में आए थे भगवान कृष्ण, और जी उसमें वो उनके बाद अपना वो राजा परीक्षित के काल में ये कलयुग का कलयुग, प्रारंभ हाँ जी राजा परीक्षित से स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक से तभी ये तो तो भी उनको तभी भागवतम का प्रचार कलयुग में हुआ ना, तभी तो जी, बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी पाद आए, राजा परीक्षित को कथा वो सब लीला थी जो उनको बिल्कुल। तक्षस ने डसा और वो 7 दिन में मर जाएंगे, और वो कथा का प्रचार हुआ। 8,64,000 आयु थी द्वापर की। 8,64,000? द्वापर की नहीं, द्वापर की आयु तो 1,000 वर्ष बताई गई ना। नहीं, 9 लाख अच्छा हाँ, दीजिए, 8,64,000 कल, हाँ द्वापर युग की आयु हुई, मेरे को युग लगा आप मनुष्य की बात कर रहे हो। हाँ ठीक और है तिवारी हाँ जी, आपने वो 8,64,000 जो बताया है वो 4,32,000 राउंड फिगर से 9 लाख कर काउंट किया दिया है, ना। राउंड फिगर हाँ 9 लाख हाँ किया है ताकि हम, हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जी, उसको फिर डबल करके द्वापर त्रेता था, और फिर उसको भी चौंतीस डबल करके, हाँ हाँ वो ठीक था है, ठीक है, सत्ययुग। 17,000 वो सतयुग त्रेता युग था, और 34 लाख कुछ वर्ष था सतयुग की। ठीक। सतयुग में पाप शून्य था, और आवाज आपकी कट रही है, क्या आवाज बोले? कट रही है, हाँ सतयुग में पाप कम था, सतयुग में है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। शून्य है, इसलिए उसमें पूरा का पूरा वो तपस्या करना पड़ता था। आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया, मैं एक जी एक ध्यान से सुना हूं, और हम जी
कहीं देखे भी, पढ़े लिखे भी हैं, तो उसमें तपस्या ही की जाती है। मैं भी यही बात बताता हूँ, और ये बहुत सुंदर लगा। और जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था अश्वमेध त्रेता युग में, हाँ जी, त्रेष्टि यज्ञ हो गया, ये सब त्रेता में आया जी। युग में तपस्या के माध्यम से ही भगवान भगवत प्राप्ति होती थी जी, बिल्कुल, ये बहुत सत्य बात है। और त्रेता में ये बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, हाँ, यज्ञ के माध्यम से ही होती थी भगवत प्राप्ति। राजसूय यज्ञ हो गया, ये द्वापर के तक भी था, द्वापर में भी था। और यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड जो वैदिक पूजा रीति रिवाज है वो अपना इसमें पूर्ण रूप से द्वापर में जी। कलयुग केवल नाम अधारा, इसलिए इसमें केवल नाम, वही भजन आपने जो बताया था, कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जी, बिल्कुल, केवल नाम अधारा, सुमे सुमे। और ठीक बात है कि उतर ही पा रहा, सही बात, कम समय में भी भगवान को मन से हम स्मरण करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है, बिल्कुल। लेकिन एक बात कहा गया, जैसे जाप करते हैं तो जाप में एकाग्रता नहीं बन पाती, जैसे आपने कहा कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, सत्य बात है। कलयुग में हमारे चारों तरफ इतने ध्वनि प्रदूषण या कुछ और बाधाएं हैं जिससे कि हमारा एकाग्रता नहीं बन पाती हम, तो उस समय क्या करना है कि जो जाप किसी का हम एक सवाला करना है, तो जैसे गायत्री है 24 लाख उसके जाप करना है तो उसको बढ़ा देंगे 4 गुना कलयुग में। जैसे हम लोग किसी नवग्रह इत्यादि का शांति के लिए बताया गया है 18,000 राहु का हो गया तो उसको 4 गुना चतुर्गुणी जाप करेंगे तो उसका। वो एक्चुअली कर्मकांड का पार्ट है, हम यहाँ कर्मकांड कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं बस इतना ही करके क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ नहीं, अच्छा है आप जुड़े, हमें भी खुशी हुई। मैं हमेशा जुड़ने के प्रयत्न में रहूंगा, बस बस, हाँ अभी तक आप रेगुलर रहिएगा जी। जी, किसी अन्य का प्रश्न है? मोनिका जी हैं हमारे साथ, हमारी गुरु बहन हैं, उनमें उनका किसी का कोई प्रश्न? ठीक है दीदी, फिर हम लोग क्लास को यहीं पर विराम करेंगे जी, जरूर, है ना, और नेक्स्ट टाइम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, एकता, तुम्हारा कोई प्रश्न था? एकता का स्क्रीन ऑन हुआ तो मुझे लगा कोई प्रश्न है। ठीक है दीदी, फिर हाँ एकता बोलो, तुम्हारा नेट नेट डिस्टर्ब हो रहा है, नेट डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा एकता, तुम्हारा नेट काफी डिस्टर्ब था, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा प्रश्न नेक्स्ट क्लास में तुम पूछ लोगे, जो हमें समझ में आया। ठीक है गुरुजी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं कह रही हूँ मेरा प्रश्न है, पर फिर मैं नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, हाँ गुरुजी यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस है। हाँ ठीक है, बारिश बहुत हो रही है गुरुजी, तो थोड़ा डिस्टरबेंस है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना समय निकाल कर आए, और हम सभी एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे, उसमें दीदी हमें गाइड कर रही हैं, आचार्य जी ने भी अपना थोड़ा सा योगदान दिया, अच्छा लगा। और हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि हम भजन से जुड़ जाएं बस, है ना, भजन को समझ लें, भक्ति को समझ लें, और इधर उधर की जो चीज़ें कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा शिफ्ट होकर के इधर आ जाएं। ठीक है, वो चीज़ें जब तक की जब तक की, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमारा एसोसिएशन अच्छा हो जाए, साधु संग हो जाए, भक्तों का संग हो जाए, तो समझ लो कि हमारा समय अच्छा आ गया। तो ये दीदी की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, यहाँ पर और भी वैष्णव जुड़े हुए हैं, कि उनके मात्र यहाँ उपस्थित होने से ही कृपा हो जाएगी। अब देखो स्निग्धा दीदी जुड़ी हैं द्वारका सेक्टर 10 से, और उन्होंने गुरुदेव के चरण लगा रखे हैं अपने डीपी पे, तो देखो उन्होंने दर्शन देखो कैसे सुंदर कराए हुए हैं हमें, है ना, तो साक्षात गुरुदेव भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी वैष्णवों का बहुत बहुत धन्यवाद,
और दीदी का तो विशेष रूप से, क्योंकि वो मेरा कोई धन्यवाद नहीं, गुरुदेव कल का ही वृंदावन जा है। रही हैं और आज उन्होंने हमें समय दे दिया, ठीक है। तो ये हमेशा दीदी हमें इस तरह से गाइड करती रहेंगी। और अब हम जो है गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करते हैं, सभी भक्तों को धन्यवाद करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रोभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला गुरुदेव सभी का मंगल करें, सभी आनंदित रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और भजन के साथ जुड़ जाएं, हमारा यही पर्पज है बस। हरे कृष्णा, हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद हरे कृष्ण प्रणाम दीदी। अरे थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए इसके कोई लिए बात नहीं दीदी, बस आप आ गए, आपकी आवाज सुन ली, बस इतनी कृपा हमारे ऊपर हो गई, ये बहुत बड़ी कृपा थोड़ा है। सा ठीक, लेट हो गई, काम हरे में कृष्ण। व्यवस्था थी थोड़ी। जी कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा दीदी, ठीक है। आप जी सभी रिकॉर्डिंग सुन लें और नेक्स्ट टाइम अपने अपने प्रश्नों को नोट करके लाएं, हमें प्रसन्नता होगी, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण।